तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लोज इसके सारे अटे वो डॉस करके इसके ऊपर अपने स्वॉर्ड को तन देता है, जिसे देखकर फेंग तुरंत ही सरेंडर करते हुए कहता है कि मैं हार गया। तब इस नज़ारे को देखकर डीन क्या दे समझ गया लो साहब ने जो यिंग यांग बॉडी ब्रेकिंग फार्मूला को कल्टीवेट किया है उसी वजह से उसकी बॉडी बाकी उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है, जो उसे मूवमेंट स्पीड और अटैक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। लेकिन ये भी मानना होगा कि ऐसा कोई जीनियस ही कर सकता है, जिस पर अब अनाउंसमेंट होती है कि ये चैंपियनशिप का फाइनल मैच है जो कि लुइस और फॉर्मर चैंपियन हानसान के बीच में होगा। तब इतना सुनते ये दोनों सीधे एरिना में आ जाते हैं जहाँ हानसान लुइस से कहता है कि तुम टैलेंटेड हो, वेल यकीन है तुम मुझे एक अच्छा खासा टक्कर दोगे। तब लुइस कहता है कि डोंट वरी सीनियर, आज आपको जितना टक्कर चाहिए मैं उससे दूना ही टक्कर दूंगा क्योंकि चैंपियनशिप को जीतूंगा तो मैं ही। जिस वह इतना सुनते हाँ सर अब सीधे लुइस की ओर बढ़ते हुए कहता है कि ठीक है फिर प्रूफ करो। तब लुइस अपने पोजिशन को लेते हुए इसके अटैक को डॉस करके पीछे कर देता है। वायरस अटैक के इम्पैक्ट को फील करते हुए लुइस कहता है कि जो भी कहो लेकिन इस सीनियर में तो दम है, जिस वक्त अभी ये अब एक और अटैक को करने के लिए बढ़ते हैं, जिसे देखते ही लुइस अपनी पावर से एक और को क्रिएट करते हुए इस अटैक को डॉच करने लगता है और थोड़ी देर में डॉच करके सीनियर को पीछे भी कर देता है। तब हासान कहता है कि क्या टफ फिजिकल मैनेजमेंट है इसके बॉडी का, मैं तब से कितना ही कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इसके बॉडी को इंजर्ड कर ही नहीं पा रहा। जिस पे डीन कहता है कि अगर मैं मान भी लूँ कि इसने बॉडी ब्रेकिंग फार्मूला को सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लिया है, मगर इसकी शक्तियाँ तो इसके कल्टीवेशन लेवल से मैच हो ही नहीं रही। दिखने में भले ये बॉडी ब्रेकिंग रिलम के लास्ट लेवल में है लेकिन पावर इसी किस रिलम के बराबर है। तो इधर ये दोनों इस फाइट को कंटिन्यू रखते हुए फाइनल अटैक को करने के लिए एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। चालू वैसा अपने मन में ख्याल है कि भले ही मेरी बॉडी पावर ड्रेन हो रही है लेकिन लाइफ और डेथ के बीच की हेल्प से वो पावर अपने आप ही रिकवर भी हो रही है। अभी मैं चाहते ऐसे ऐसे और 10 लोगों से फाइट कर सकता हूँ। तब यही सोचते लुइस अपने अटैक के साथ सीधे आगे से टकरा आ जाता है, जिस पर आवास पर लोग अब कहने लगते हैं कि ये लोग पिछले 1 घंटे से लड़ रहे हैं मगर फिर भी कोई पीछे हटने के लिए रेडी नहीं है। तब दूसरा डिसेबल किया था कि वो इसलिए क्योंकि ये फाइट बेस्ट ऑफ बेस्ट के बीच में है, जिस पर लुइस अपने शॉर्ट से हानसान के स्वेयर को उसके हाथ से छुड़ाने में सफल हो जाता है। तब ये देखकर हानसान बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया, तुम्हारी पावर मुझसे भी ज्यादा क्यों है, कहीं तुमने यिंग यांग बॉडी ब्रेकिंग फार्मूला को तो कल्टीवेट नहीं किया। जिस वह लुइस कहता है कि यह सीनियर आप बिल्कुल सही है, अगर यिंग यांग बॉडी ब्रेकिंग फार्मूला को मैंने कल्टीवेट नहीं किया होता तो आपका ये नुकीला स्पेयर मुझे कब का मार चुका होता। तब ये सुनकर लोग भी बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं क्या लुइस ने यिंग यांग बॉडी ब्रेकिंग फार्मूला को कल्टीवेट कर लिया है, इसका मतलब 800 सालों बाद लुइस वो चौथा पर्सन है जिसने इस फार्मूला को सक्सेसफुली कल्टीवेट किया है। जिस पर डीएनए विनाश करते हुए कहता है कि हमें हमारे सेट का मोस्ट पावरफुल डिसाइबल मिल चुका है, इस मोस्ट पावरफुल चैंपियनशिप का विनर लुइस झाओ है। तब इतना सुनते सारे डिसाइबल भी अब लुइस झाओ को बहुत ही ज्यादा शेयर अप करने लगते हैं, जिस वेदर में स्लू अपने मन में किया देखिए अब बहुत ही जल्द पूरे किंगन सिटी में फेमस हो जाएगा। ये अपने मेहनत और कल्टीवेशन के दम पर ना सिर्फ किंगन सिटी बल्कि पूरे तेलुगु कॉन्टिनेंट को भी डोमिनेट कर देगा। बेस्ट ऑफ लक लुइस, मैं अभी तुम्हें सबसे पावरफुल होते हुए देखना चाहती हूँ। और अब सीन चेंज होता है, हम देते हैं कि अलग जुआंग लुइस को लेकर डीन के पर्सनल पैलेस में आए थे जहाँ लुइस डीन को देख कर ग्रीट करता है। तब डीन कहता है कि लुइस चूंकि तुमने इस कम्पिटिशन को जीता इसलिए रहा तुम्हारा रिवॉर्ड, जिस पर डीन कितना कहते हैं रोड लुइस के पास आते हैं। तब पहले रिवॉर्ड के बारे में बताते हुए डीन कहता है कि यह रहा तुम्हारा पहला रिवॉर्ड, इसे एल्डर टोकन कहता है, इसी हेल्प से तुम इस पूरे सेट के रिस्ट्रिक्शन वाले एरिया को छोड़कर कहीं भी जा सकते हो। जिसे सुना लुइस अपने मन में कहता है बहुत हुआ, इसी हेल्प से मैं 4th लेवल के स्क्रॉल वाले लाइब्रेरी में जा सकता हूँ। तब डीन दूसरे रिवॉर्ड के बारे में बताते हुए कहता है कि यह है डॉग पिल, इसी हेल्प से क्विज रिलों को ब्रेक करना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। जिस वह लुइस सेकंड रिवॉर्ड को देखकर अपने मन में कहता है कि इसकी कीमत तो लाखों में है, पता नहीं मैं अपने दम पर इस डॉग पिल को कब खरीद पाता। तब डीन कहता है कि अभी एक और रिवॉर्ड बाकी है, यह सेकंड ग्रेड स्पेशल फॉर्मेशन एरा है, ये तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हारी कल्टीवेशन क्षमता को 4 गुना तक बढ़ाने में। जिस वह इन सारे रिवॉर्ड्स के लिए लुइस थैंक यू सो मच डीन कहता है। तब डीन कहता है कि नहीं नहीं थैंक यू वाली कोई बात नहीं है, इसे तुमने अपने दम पर जीता है। जिस वक्त अभी यहाँ मिलिट्री गार्ड से एडर चौंग को लेकर आ जाते हैं, तब एडर चौंग कहते हैं डीन ये वही है जिसने लुइस झाओ को स्टॉक करने और उसके पीछे मर्डर करने की कोशिश की, इतना ही नहीं ये लुइस झाओ की भी फैमिली को मारने की कोशिश कर रहा था। तब लुइस झाओ कहता है क्या ये मेरी फैमिली पर भी अटैक करना चाहता था, जिस पर डीन कहता है कि लुइस झाओ मैं तुम्हारे गुस्से को समझता हूँ लेकिन इससे पहले ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तब लुइस झाओ कहता है प्लीज बताइए। जिस पर डीन बता दे चौंग फैमिली के सेक्ट में एक अच्छे पोजिशन में है और तुम्हारी कल्टीवेशन और क्षमता के आधार पर ज्यादा तुम्हारा आपसे जावया सेक्ट में एंटर हो जाओगे क्योंकि हायर एजुकेशन और कल्टीवेशन के लिए जावया सेक्ट में तुम्हें जाना ही होगा, इसलिए वहां पे एंटर होने के बाद। तब लुइस झाओ कहता है कि डीन मैं समझ गया, वहाँ एंटर होने के बाद जॉन्ग फैमिली का वैन सिस्टर अपने फैमिली के लिए मुझसे रिवेंज लेने की कोशिश जरूर करेगा, वेल जो होगा मैं सब कुछ संभाल लूंगा, बस आप मेरे ऊपर एक फेवर कीजिए कि जब तक मैं स्टॉकिंग पर्सन नहीं बन जाता तब तक आप या मेरे फैमिली की देखभाल करेंगे, बस आप इधर संभाल लीजिए उसके बाद मैं उधर डेफिनेटली संभाल ही लूंगा।
जसवडीन की अदाई ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि एक बार तुम सावे सेंट में एंटर कर गए, उसके बाद मैं तुम्हारे किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं कर पाऊंगा। तब लूसाओ क्या दे, डोंट वेरी डेन, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे मेरी जान और आपकी शान पे कोई खतरा आए। जिस पर डेन अब गार्ड से क्या दे, ठीक है बंद कर दो इस आदमी को प्रिजन में। तब गार्ड्स भी जोंग फैमिली के एल्डर को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। और अब सीन चेंज होता है, हम थोड़ी देर बाद लूसाओ को मिस लू के पैलेस में देखते हैं। शाय अपनी पावर से मिस लू के बॉडी की यंग फायर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था। तब इस प्रोसेस के खत्म हो जाने के बाद मिस लू के कपड़े थोड़े फट जाते हैं, जिसे चेंज करने के लिए तुरंत यहाँ से चली जाती है। तब कुछ देर बाद मिस लू तुरंत ही ठीक ठाक होके वापस आ जाती है। जाए लूसाओ को देखकर अपने मन में कहती है कि सिर्फ एक साल के अंदर इसने इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है, जिसे अचीव करने में किसी मामले डिसाइबल को 5 से 6 साल का टाइम लगता है। ऐसे जीनियस डिसाइबल को तो साविया सेक बहुत ही आसानी से एडमिशन दे देगा। जिस पर लूसाओ अपनी आंखें खोलते मिस लू की ओर देखता है। तब मिस लू तुरंत ही लूसाओ से नजर हटाने की कोशिश करती है, जिस पर लूसाओ इसके पास आते हुए कहता है कि मिस लू अब ज्यादा से ज्यादा 2 या फिर 3 बार ये प्रोसेस करना होगा, उसके बाद कम्प्लीटली आपके बॉडी से ये सारा यंग फायर निकल जाएगा। तब इसने मिस लू कहता है क्या इतनी जल्दी, और फिर मिस लू कहता है मेरा मतलब क्या तुम और हो। जिस वह इतना कहेगी मिस लू अपने मन में क्या देखिए, आखिर मुझे ये क्या हो रहा है, मेरी बीमारी ठीक होने वाली है, इस बात से तो मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन इस बात से मुझे खुश से ज्यादा दुख क्यों हो रहा है। समय ठीक हो जाऊंगी तो इस तरह से लोग आपसे मिलना भी बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा होने से मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है, कहीं मैं इसे लाइक तो नहीं करने लगी। तब लोग बीच में टूटते हुए क्या देखिए मिस लू क्या हो गया, आप कहाँ खो गए। और फिर से एक साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।